हेलो एवरीवन, ओपन योर मैथ्स विजडम वर्कबुक एंड गो ऑन पेज नंबर 52। सो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बोरोइंग के साथ सब्ट्रैक्शन करना है। बोरो मीन्स उधार लेना। जब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम अच्छी तरह से सॉल्व बता सकते हैं। जैसे जब हमारे पास 5 रुपीज़ होते हैं और हमें किसी को 7 रुपीज़ देने हो, तो ऐसे वक्त हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, तब हमें किसी से उधार लेने पड़ते। ठीक इस उदाहरण के, इस एग्जाम्पल के को जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही इस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए, इसमें बोरोइंग करना है आपको। जैसे बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर नहीं होता, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यह अभी आपको देखना है। फर्स्ट देखिए, 4 माइनस 3 1, सब्ट्रैक्शन की हमने प्रैक्टिस की है तो आपको ये इजीली आ सकता है। 9 माइनस 7 2। अभी यहाँ पर 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि 4 इज़ बिगर देन 0। तो हमें लेफ्ट साइड में ये 1000 प्लस पर जो 5 है, यहाँ पर 4 रहे, हमने एक यहाँ पर बोरो किया, ये 0 उसके सामने यूनिट प्लस पर रख दिया, यहाँ हुए 10 10 माइनस 4 6। अभी ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 4 बचे, 4 माइनस 2 2। सेकेंड इसमें देखिए, 1 से 9 माइनस नहीं हो सकते 1 में से, सो हमने 5 में से 1 बोरो किया, यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर इधर का 1 रख दिया तो 11 हो गए, इस 1 को कट करना है। 11 माइनस 9 2, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 6 2, और 6 माइनस 3 3। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, शुरू से हमें बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते। तो हम दो तरीके से ये सॉल्व करेंगे, पहले जैसे दिया है, दूसरा एक अलग तरीके से करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो हमने यहाँ पर से 7 में से 1 बोरो किया तो 6 रहे, ये 1 ही है बोरो किए वाला, यहाँ से 0 रख दिया 10 हो गए। फिर हमें इधर उधारी की ज़रूरत थी, तो हमने कट करके यहाँ 9 हुए, यहाँ 1 कैरी किया, यहाँ पर 11 हुए। अभी 11 में से 1 यहाँ पर बोरो किया तो 10 बचे, यहाँ पर 13 हो गए, 13 माइनस 8 5, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, और 6 माइनस 4 2। ये दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यही एग्जांपल देखिए, यही प्रॉब्लम देखिए, सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। अभी जो थर्ड नंबर का हमने सॉल्व किया था, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। यहाँ 1 है, 1 में से यहाँ पर हमने 1 बोरो किया, ओके, और ये जो 3 है उसके सामने रख दिया, 13 हो गए, 13 में से 8 माइनस जब होंगे तो 5 रिमेनिंग रहेंगे। यहाँ पर अभी 0 बचे, यहाँ पर 1 बोरो उधार लेने की वजह से यहाँ पर 0 बचे, है ना, तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पर भी 0 है, ऐसे वक्त हमें यहाँ से बोरो करने पड़ेंगे, बोरो मीन्स उधार लेना। 7 में से 1 बोरो किया तो 6 रह गए, हमने यहाँ पर 1 लिया, ये 0 कट करके यहाँ लिख देना, 10 हो गए, लेकिन हमें उधारी की यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर 0 होने की वजह से 10 में से हम 1 बोरो करेंगे या 9 बचेंगे, यहाँ 1 आ गया, ये 0 यहाँ लिख देंगे, 10 हो गए, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, और 6 माइनस 4 2। आपको आंसर सेम आएगा, किसी भी तरह से डायरेक्ट इधर से भी ले सकते हो और यहाँ से भी लेके बाद में इधर से ले सकते हो, ओके। नाउ फोर्थ, यहाँ पर देखिए, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि 5 स्मॉलर है, स्मॉलर में से बिगर नंबर माइनस नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर से हम उधार नहीं ले सकते, बोरो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 2 है, सो हमने यहाँ पर से 1 बोरो किया, तो यहाँ बचेंगे 1, ओके, ये बोरो किया वाला, उधार लिया वाला 1, ये 0 कट करके इसके सामने लिख देना है। 10 में से 6 माइनस हो सकते हैं अभी, है ना, यहाँ पर भी अभी ज़रूरत हमें यहाँ इस जगह पर है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये कट करके यहाँ बचेंगे 9, और यहाँ पर 1 बोरो किया, ये 5 इधर रखा तो यहाँ पर हो गए 15 15 माइनस 7 8 बचेंगे, रिमेनिंग 8, 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0, और 8 माइनस 5 3। इस तरह से शुरू में आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन 2-3 एग्जांपल केयरफुली देखने के बाद आप अच्छी तरह से ये सॉल्व कर सकते हो। 3 में से 2 माइनस हो सकते हैं, लेकिन 4 में से
8 माइनस नहीं होते। अभी देखिए 3 में से 2 माइनस, 3 माइनस 2 1, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अभी 4 में से 8 माइनस नहीं होते, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। यहाँ पर से 1 बोरो किया, मतलब यहाँ पर 5 रह गए, 1 यहाँ पर लिए, ये 4 कट करके आपको इसके सामने लिखने हैं, मतलब 14 हो गए। 14 में से 8 माइनस करने हैं, कितने रहेंगे 6। अभी 5 यहाँ है, 9 माइनस करने हैं। 5 रुपए आपके पास होने के बाद किसी को 9 रुपए नहीं दे सकते, तो हमें फिर से इधर से बोरो यानी उधार लेना पड़ेगा। 5 में से 1 लिया तो 4 रहेंगे, यहाँ 5 पहले से ही है, इसको लेफ्ट में लिख दिया तो 15 हो गए, है ना। 15 माइनस 9 ये सॉल्व हो सकता है, यानी 6, और 4 माइनस 1 3। यहाँ पर भी 0 0 0 है। अभी तीनों भी जीरो में से नीचे के जो डिजिट्स है वो हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अभी ऐसे वक्त क्या करना है, जहाँ पर यहाँ 9 है, यहाँ पर हमें हम वन टाइम वन ही बोरो कर सकते हैं, यहाँ पर 8 बचेंगे। ओके, हमने यहाँ पर लिए 1, अभी ये 0 कट करके इसके सामने रखना है, कितने हो गए 10। हमें ज़रूरत इस जगह पर, यहाँ पर आना है, यहाँ हो गए 10। अभी फिर से यहाँ पर से उधार लेने पड़ेंगे 1, मतलब यहाँ रहेंगे 9, यहाँ हो गए 10। इसको कट करके हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 10 हो गए, है ना। यहाँ पर ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पर भी 9 बचेंगे 1, ये 0 कट करके इधर, यानी 10। अभी 10 में से 6 माइनस हो सकते हैं, यानी बचे 4। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, और 8 माइनस 6 2। ओके, आपको जब उधार आप लेते हो तो उस वक्त आपको जो नीचे नंबर है 0, चाहे वो 0 भी हो, आपको वो सामने लिखना होता है, जो डिजिट बनता है उसमें से 1 माइनस करके इधर लेना पड़ता है, है ना, फिर से वही प्रोसेस जी। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकती, हम यहाँ से लेंगे या 5 बचेंगे, यहाँ 1 लिया, ये 0 कट करके यहाँ लिख दिया 10, 10 माइनस 8 2। 5 में से 7 माइनस नहीं होते क्योंकि 5 स्मॉलर नंबर है, 5 में से 1 लिया तो 4 रह गए, यहाँ 15 हो गए, 15 में से 7 गए तो 8 रहे, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 3 6, ईजी एकदम। 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 0 में से भी 9 नहीं माइनस होते, और इस 0 में से भी 9 माइनस नहीं होते, 7 में से 3 होते, तो 7 से हमें उधार लेना पड़ेगा 7 से। और एक बात, जब हम उधार लेते हैं तो पहले इस जब जहाँ पर लिखते हैं वहाँ की प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले यहाँ 6 रहेंगे, 1 यहाँ आ गए, है ना, ये 0 कट करके आपको यहाँ लिखना है, हो गए 10। आपको ज़रूरत यूनिट प्लेस पर है, सो यहाँ पर से आपको फिर से उधार लेना पड़ेगा, यहाँ 9 बचेंगे, 1 इधर लिया हमने, ये 0 कट करके इधर रखेंगे, फिर से हमें इधर ज़रूरत है, तो यहाँ पर से भी 1 लिया तो 10 में से 1 गया तो 9 रहेंगे, और यहाँ पर 1 आया, और ये 3 कट करके यहाँ लिखने, 13 हो गए, है ना। 13 माइनस 9 4, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 3 3, इस तरह से सॉल्व करना है। और ये इस सब्ट्रैक्ट में का क्वेश्चन फर्स्ट में का लास्ट आए 9 नंबर का, 6 में से 7 माइनस नहीं होते, 5 में से 6 माइनस नहीं होते, और 2 में से 3 भी माइनस नहीं होते क्योंकि बिगर नंबर है ये, लेकिन यहाँ पर से हम उधार ले सकते। पहले शुरू में हम यहाँ से भी ले सकते, जैसे 5 में से 1 लिया तो 4 रहा, यहाँ पर 1 कैरी किया, ये 6 यहाँ लिख दिया, 16 माइनस 7 यहाँ कितने बचेंगे 9। 4 में से 6 माइनस नहीं होते, तो यहाँ से हमने लिया 1 यहाँ बचा, और यहाँ 14 हो गए, 14 में से 6 8। 1 से 3 माइनस नहीं होते 1 में से, सो यहाँ पर से हमें यहाँ 3 और यहाँ 11 हो गए, 11 माइनस 3 8, और 3 माइनस 1 2। ओके, इस तरह से आपको विद बोरोइंग एग्जांपल है ये सब्ट्रैक्शन की, आपको ये आपके नोटबुक में अच्छी तरह से और नोटबुक में भी सॉल्व करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, हो सकता है शुरू है, शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर रूल्स एक बार समझ में आए तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यही इस ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, और नेक्स्ट पेज पर
क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपको सिक्स एग्जांपल दिए हैं, आपको इनका क्या करना है, आपके नोटबुक में कॉलम्स ड्रॉ करके यूनिट ओन्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरह का मेंशन करके आपको ये विद बोरोइंग के एग्जांपल आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।